हेलो गाइस, दिस इज़ मिज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। तो आपके यहाँ पर टू चैप्टर रह गए थे, जिसमें से एक था द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड एक द डक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो ये दोनों चैप्टर जो हैं आपके नेक्स्ट यूनिट यूनिट नंबर सेकेंड, जो कि फर्स्ट टर्म में आने वाला है, उसके हैं। और इसमें हम करेंगे, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें यूनिट नंबर टू में आपको दे रखा है यूनिट टू द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड द डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग और ये जो दोनों चैप्टर हैं, इसमें हम आज जो इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे जो पिछले चैप्टर हैं उसमें से कुछ ऐसा भी आ गया है जो कि हमने नहीं पढ़ा था। लेकिन हम अब ऐसा पढ़ेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन आपसे ना बच पाए आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ रखा हुआ है, चैप्टर का नाम है द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो मुगल द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, तो मुगल एक डायनेस्टी थी, ठीक है, जो इंडिया में इन्होंने 300 साल तक यहाँ पर राज किया था इंडिया पे। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसकी पेंटिंग कैसे आगे बढ़ी, और इसमें कौन कौन राजा थे, और किसके टाइम पे जाके ये पीक पे पहुँची, गोल्डन पीरियड था उसका और गोल्डन टाइम था, और कहाँ से इसका डिक्लाइन हुआ ये, तो उसकी आज हम सब बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेंगे कि यहाँ दे रखा है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है, तो पहले हम बात करेंगे कि मुगल स्कूल का ओरिजिन कैसे हुआ। तो इसमें हम थोड़ा ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा अगर हम स्टार्टिंग से जानेंगे तो हमें ज़्यादा याद रहेगा और ज़्यादा हमें समझ आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया में जो इस्टेब्लाइज किया था मुगल डायनेस्टी को यहाँ इंडिया में, तो वो किया बाबर ने। बाबर ने जो शुरुआत की थी वो 1526 में की थी, बट उससे पहले भी उसने यहाँ पर कई बार यहाँ पर अटैक किया था इंडिया में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। और 1526 में वो पानीपत का युद्ध जीतने के बाद यहाँ पर इंडिया में दिल्ली पे उसने कब्ज़ा कर लिया था। पहले तो ये क्या करते थे, पहले ये सारे लोग करते थे, यहाँ से जितना भी सोना या सोना चांदी होता था लूट लाट के चले जाते थे। बट इस जब ये 1526 में आया और इसने यहाँ का वातावरण देखा, एनवायरमेंट देखा, उसे अच्छा लगा, तो उसने फिर यहाँ पर मन बना लिया कि वो नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें भी उसके पीछे भी एक राजनीति रही थी। जब उसने इब्राहिम लोदी को हराया था यहाँ पर, तो उससे पहले भी वहाँ पर एक बड़ी राजनीति रही थी, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा हम यहाँ इनके बारे में जान लेते हैं। तो 1526 में इसने स्टार्ट कर दिया था, तो बाबर ने स्टेबलाइज किया यहाँ पर इंडिया में मुगल डायनेस्टी को। उसके बाद इसके जो इसके बेटा आया हुमायूं, फिर उसका अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर एंड सो ऑन। तो ये सारे इनकी हम आज बात करने जा रहे हैं। तो बाबर के बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि इसने पेंटिंग में क्या यहाँ पर योगदान दिया है। तो पेंटिंग के बारे में अगर हम यहाँ इसकी बात करें, पेंटिंग में उसने पेंटिंग ज़्यादा नहीं कर पाई थी उसके टाइम पे, क्योंकि उसका जो 4 साल का टाइम रहा है 1526 से 30 तक का जो इसका टाइम है, 4 साल ये रहा, उसके बाद 13 में इसका डेथ हो गई थी। तो 4 साल में इसने ज़्यादा कुछ नहीं करवाया। यहाँ पर 4 युद्ध लड़े थे, पानीपत और खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध। तो इसके हर साल एक एक युद्ध होता रहा, तो इसलिए इसे पेंटिंग करवाने का टाइम नहीं मिला। फिर भी इसने जो इसकी ऑटोबायोग्राफी थी, इसको बहुत इंटरेस्ट था पोइट्री और फिलोसफी में, तो ये पोइट्री लिखता था और फिलोसफी लिखता था, बट इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था तुझके बाबरी। जिसका क्या नाम था, ऑटोबायोग्राफी जो इसकी है उसका नाम है तुझके बाबरी, तुझक ए तुझके बाबरी। बट यहाँ पर आपको नाम में थोड़ी यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी अलग अलग मिल सकती है, आपको ई की जगह यहाँ पर आई भी हो सकता है, और क्योंकि ये जो वर्ड हैं ये अरबिक या फिर पर्शियन वर्ड हैं, और इनको फिर इंग्लिश में लिखना थोड़ा आसान नहीं होता, तो इसलिए इनकी जो थोड़ी स्पेलिंग होती हैं वो थोड़ी चेंज हो जाती हैं। तो उसको आप देख लेना, यहाँ पर तुझके बाबरी होगा। तो तुझके बाबरी में आपको इसमें इसने अपने बारे में बताया है, और उसके टाइम के बारे में जो जो थे उनके बारे में बताया। तो यहाँ पर हमें यहाँ से पेंटिंग के बारे में पता चलता है कि उसको पेंटिंग में भी इंटरेस्ट था, क्योंकि उसने बात की थी एक आर्टिस्ट जिसका नाम है बेहजाद।
ये आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी दे रखा है बेहजाद के बारे में, लेकिन उसके बारे में यहाँ पर बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहते हैं, बाबरनामा, इसका जो बाबरनामा है ये एक ट्रांसलेशन करवाया था, क्योंकि जो तुझ के बाबरी है, तुझ के बाबरी को आप याद रखेंगे टी से तुझ के बाबरी और टी से टर्की, तो ये टर्की भाषा में लिखी हुई थी, इसीलिए आप इसको याद रखेंगे कि ये टर्की भाषा की है, टर्की भाषा में लिखी थी बाबरी तुझ के बाबरी, और ये पहली और आखिरी बुक है जो टर्की भाषा में लिखी गई थी, जो कि मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड है, जो टर्की भाषा में है। सो यहाँ पर तुझ के बाबरी टर्की भाषा में लिखी गई है, इसको ट्रांसलेट करवाया था बाबरनामा में, इसका जो ट्रांसलेशन है वो बाबरनामा के नाम से है, और ये जो है अकबर के दरबार में करवाया गया था, अकबर ने इसका ट्रांसलेशन करवाया है, तो आप ये याद रखेंगे बाबरनामा और तुझ के बाबरी दोनों बाबर से संबंधित है, दोनों बाबर की ऑटोबायोग्राफी हैं। तो यहाँ पर बेहजाद के बारे में जो बात की थी बाबर ने, उसने कहा था कि वो जो बेहजाद है वो इतना अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बट उसके अंदर एक कमी है कि वो दाढ़ी रहित चेहरे अच्छे नहीं बना पाता है, मतलब उसके जिस फेस पे, जो यंग फेसेस होते हैं तो उनके फेस पे, जिनके फेस पे दाढ़ी नहीं होती है, तो वो फेस उससे अच्छे नहीं बन पाते थे, उसके बारे में ऐसा कुछ उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। और इस बेहजाद को जो है राफेल ऑफ ईस्ट कहा जाता है, कि पूर्व का राफेल कहा जाता है उसे, और राफेल जो है एक यूरोपियन आर्टिस्ट है जो कि बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पर जो पूर्व का राफेल कहा जाता है या फिर ईस्ट का राफेल कहा जाता है वो है बेहजाद। तो बेहजाद आप याद रखेंगे कि उसको ईस्ट, राफेल ऑफ ईस्ट कहा जाता है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं राफेल ऑफ ईस्ट। तो राफेल ऑफ ईस्ट कौन है, वो बेहजाद है, और बेहजाद के बारे में क्या लिखा है कि वो जो है जिसके फेस पर दाढ़ी नहीं होती थी तो वो फेस अच्छे नहीं बना पाता था। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राफेल ऑफ ईस्ट जो बेहजाद है वो हम बाबर के टाइम का ही पेंटर होगा, तभी उसने उसके बारे में लिखा है और उसने उसको लाइव देखा होगा, तो उसके बाद उसने उसके बारे में लिखा था। अब इसके कुछ आर्किटेक्ट की बात कर लेते हैं कि इसने आर्किटेक्ट में क्या क्या करवाया है। तो आर्किटेक्चर में इसने काफ़ी कुछ करवाया है, और एक और चीज़ का इसने यहाँ पर अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा या फिर तुझ के बाबरी में जिक्र किया था, वो है समरकंद की मस्जिद। समरकंद की मस्जिद के बारे में उसने लिखा था कि समरकंद की मस्जिद में चीनी तस्वीरें टंगी हुई थी, चीन की जो पेंटिंग्स थी, चीन की पेंटिंग से सजी हुई थी समरकंद की मस्जिद। तो ये याद रखेंगे समरकंद की मस्जिद के बारे में किसने लिखा है, तो वो बाबर ने लिखा है, और वो तुझ के बाबरी में लिखा है। तो अभी आपको पता चला तुझ के बाबरी क्या है, ये एक बाबरनामा या फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर है, एंड वो टर्की भाषा में लिखी हुई है, एंड उसमें उसने बेहजाद का जिक्र किया है जिसे कि पूर्व का राफेल या फिर राफेल ऑफ ईस्ट कहते हैं, और जो बाबरनामा है वो उसका ट्रांसलेशन है तुझ के बाबरी का, जो कि अकबर के टाइम पर हुआ था, और राफेल ऑफ ईस्ट कौन है, बेहजाद। एंड उसने एक और चीज़ के बारे में चर्चा की है जिसका नाम है समरकंद की मस्जिद, और उसमें उसके बारे में लिखा है कि समरकंद की मस्जिद जो थी वो चाइनीज़ पेंटिंग से सजी हुई थी। तो इतना कुछ आपको देखने को मिला पेंटिंग से रिलेटेड, इतना उसको इंटरेस्ट था पेंटिंग में, और ऑटोबायोग्राफी उसने खुद से लिखी है, बाबरनामा या फिर तुझ के बाबरी बाबर ने ही लिखी है, उसका कोई राइटर और कोई नहीं है, बाबर है खुद। ओके, अब आर्किटेक्ट की बात करें तो इसने, क्योंकि इसका टाइम पूरा वॉर्स में बीता है तो इंडिया में उसने ज़्यादा कुछ नहीं करवाया, तो उसकी तीन मस्जिद हमें देखने को मिलती हैं इंडिया में, जिसका सबसे पहले आती है आपकी काबुली बाग मस्जिद, ये क्यू से भी लिखी हो सकती है, काबुली बाग मस्जिद पानीपत हरियाणा, पानीपत हरियाणा में है, क्योंकि पानीपत का सबसे पहले जब युद्ध हुआ था और इसने 1526 को युद्ध जीता था, तो उसके बाद उस जीत को उसने जश्न के तौर पे उस मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसका नाम है काबुलीबाग मस्जिद हरियाणा पानीपत। ओके, एंड दूसरी मस्जिद की अगर हम बात करें तो उसमें आती है आपकी संभल की मस्जिद, कहीं कहीं पर संभल की जामा मस्जिद आता है, कहीं पर संभल की मस्जिद आता है, तो ये भी हरियाणा में, इसको कहते हैं ये भी हरियाणा में है, और ये हो सकता है कि यूपी के संभल में भी हो, बट अभी ये जो हमने जो सोर्स मिला है उसका, उसमें हरियाणा में ही हमें देखने को मिला है। एंड उसके बाद आती है आपकी बाबरी मस्जिद,
ये बहुत फेमस मस्जिद है, बाबरी मस्जिद। इसको ये अयोध्या में बनी थी, बट इसको 1992 में डिस्ट्रॉय कर दिया गया है इस मस्जिद को। अब ये मस्जिद नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद जो थी वो अयोध्या में थी, और जो संबल मस्जिद है वो हरियाणा में है, काबली बाग मस्जिद पानीपत हरियाणा। तो ये तीन चीज़ें, तीन आर्किटेक्ट में आपको देखने को मिलता है बाबर के टाइम में, और वैसे इन्होंने कुछ ज़्यादा काम नहीं करवाया उस आगे। अगर इसकी बात करें बाबर के टाइम की, तो बाबर अपने टाइम पे एक बुक लेकर के आया था जो कि सचित्र पोथी थी जिसे कहते हैं। तो वो एक ईरानियन शाहनामा, जिसका नाम है शाहनामा, शाहनामा बुक अपने साथ लेकर के आया था जो बाबर था। और ये शाहनामा में क्या है, शाहनामा किससे रिलेटेड है, तो इसमें ईरानियन किंग्स के, ईरानियन ईरानियन किंग्स की वीर गाथा लिखी हुई है, या ईरानियन किंग्स का जो भी शौर्य था या फिर जो रुतबा था उनके बारे में ये बुक लिखी हुई है। शाहनामा अपने साथ कौन लेकर आया था, वो बाबर लेकर के आया था। ओके, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 10 मिनट्स प्लस हो गया है, तो इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। बाबर के बारे में हमने आज चर्चा की, उसके जो भी आर्किटेक्ट उसने करवाया था या फिर पेंटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उसके बारे में वो हमने आज डिस्कस किया। अगले लेसन में हम डिस्कस करेंगे हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं ने यहाँ पर इंडिया में क्या क्या करवाया, कौन से आर्टिस्ट को अपने साथ लेकर के आया, उसने क्या आर्किटेक्ट में करवाया, क्या पेंटिंग में करवाया, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।